पेरेटो के कल्याण सिद्धांत 66 में, पेरेटो के कल्याण अर्थशास्त्र में नैतिक मानदंड महत्वपूर्ण है, ये कथन सत्य है। 66 का सही है। ए 67 बाजार विफलता के क्या कारण है, तो बाजार विफलता के इसमें जो तीन कारण दिए गए वो सभी कारण है। चौथा एक कारण है कि एकाधिकार भी है, मेरिट वस्तुएं भी है, तो सार्वजनिक वस्तुएं, हानिकारक वायताएं, उपयोगी वायताएं, ये सभी बाजार विफलता के कारण है। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक वस्तुएं वो हैं, तो सार्वजनिक जो वस्तुएं होती हैं वो सामाजिक कल्याण के लिए होती हैं, बाजार प्रणाली को अकुशल बना देती हैं, अपवर्जन का सिद्धांत उस पर लागू नहीं होता है। तो 68 का सही उत्तर है डी। 69 का है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम कंपटीशन एक्ट कब लागू किया गया, तो हम जानते हैं कि कंपटीशन एक्ट के पहले एमआरटीपी एक्ट 1969 था, राघवन समिति गठित की गई, उसने एमआरटीपी एक्ट को रद्द करने की सिफारिश की, तब नया एक्ट बनाया गया कंपटीशन एक्ट 2002। तो इसका सही उत्तर है ए। 70 है कि मौद्रिक नीति के यह क्या उपकरण है, तो मौद्रिक नीति के कौन से उपकरण है, तो खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर नीति, तरल कोषानुपात, ये सभी जो है तीनों मौद्रिक नीति के उपकरण है। तो 70 का सही है टी। 71 है कि राजकोषीय नीति का निर्माण किया जाता है, राजकोषीय नीति का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ए, भारत सरकार। 72 है कि मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है, तो मौद्रिक नीति का निर्माण किसी भी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, या वो देश निर्धारित कर दे कि ये बैंक कौन सी होगी जो केंद्रीय बैंक वो मौद्रिक नीति निर्धारित करेगी। तो भारत में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को निर्धारित करती है, तो 72 का सही उत्तर है ए। 73 है कि आधुनिक राज्यों की क्रियाएं, तो आधुनिक समय में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए सरकारों को बहुत कार्य करने पड़ते हैं, तो कानून व्यवस्था रक्षा संबंधी कार्य करने पड़ते हैं, व्यापार वाणिज्य संबंधी कार्य करने पड़ते हैं, विकास संबंधी कार्य करने पड़ते हैं, तो उसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है 74वां की प्रतिस्पर्धा बाजारों के सिद्धांत को किसने विकसित किया, तो प्रोफेसर बामोल ने 1982 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है 75 की कीमत दृढ़ता एक विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग और पूर्ति, अपूर्ण प्रतियोगिता में भी मांग और पूर्ति, किंतु अल्पाधिकार में कीमत दृढ़ता पाई जाती है, तो इस कारण से 75 का सही उत्तर है वो है सी। 76 है कि बाजार को किस दशा में सामाजिक हानि उठानी पड़ती है, तो मोनोपोली जो है एकाधिकार में बाजार को सामाजिक हानि उठानी पड़ती है, तो इसका सही उत्तर है ए। 77 है कि सामाजिक कल्याण एक उद्देश्य होता है, सामाजिक कल्याण समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य है, तो इसका सही उत्तर है बी, सोशलिज्म। 78 है कि पूंजीवाद की विशेषता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवाद की विशेषता है निजी संपत्ति, कीमत जो प्राइस मैकेनिज्म है, कीमत संयंत्र, लाभ अधिकतमीकरण, ये तीनों विशेषताएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की है, तो इस कारण से इसका जो सही उत्तर है वो है डी, उपयुक्त सभी। 79 है कि पूंजीवाद में उपभोक्ता की संप्रभुता संरक्षित होती है, यह सैद्धांतिक कथन है, पूंजीवाद में उपभोक्ता की संप्रभुता होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवाद में, सिद्धांत यह कहता है कि पूंजीवाद में उपभोक्ता केंद्र बिंदु में होता है, उपभोक्ता की रुचियों के आधार पर ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। व्यवहारिक में क्या है, व्यवहारिक में विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को बताया जाता है अपनी वस्तुओं
की विशेषताओं को बताया जाता है। तो वहां व्यवहारिक रूप में उपभोक्ता की संप्रभुता समाप्त हो जाती है। तुम्हें उत्पादक बताएगा कि तुम इंडियोरा मांस खाओ तो तुम मोटे हो जाओगे, कई उदाहरण उसके। तो ये यद्यपि सैद्धांतिक रूप से यह सत्य है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की संप्रभुता होती है, तो यह कथन सत्य है। 79 का सही है ए। 80 है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यह कथन सत्य है। 80 का सही है ए। 81 है कि किसी वस्तु की मांग में विस्तार का कारण होता है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग में विस्तार और संकुचन वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। एक ही मांग वक्र पर उपभोक्ता रहता है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की मांग में संकुचन का क्या कारण होता है। आप देखो उसमें दो प्रश्न दे दिए, अगर एक एक का उत्तर गलत लग गया तो दोनों के उत्तर गलत हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है ए, वस्तु का मूल्य। 83 है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, तो मांग को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, वस्तु की कीमत भी है, वस्तुओं के गुण भी हैं, तो इसमें उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचियां, आय का वितरण, इनकम टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सभी जो है मांग को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी। 84 है कि जनसंख्या में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है, ये कथन सत्य है। जनसंख्या अधिक मांग अधिक, जनसंख्या कम मांग कम, ये कथन सत्य है। 84 का सही है ए। 85 है कि पेट्रोल कार की एक पूरक वस्तु है, ये सत्य है। ये 85 का सही है ए। 86 है कॉफी चाय का स्थानापन्न है, ये कथन सत्य है। 86 का सही है ए। 87 है कि कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, ये मांग का नियम भी है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, इस कारण से मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ये कथन सत्य है। 87 का सही है ए। 88 है कि कोयला तथा बिजली सामूहिक मांग के उदाहरण है, ये कथन सत्य है क्योंकि कोयला से बिजली बनती है, थर्मल जितने भी पावर हैं, तो कोयला और बिजली सामूहिक मांग, तो 88 का सही है ए। 89 इकोनॉमिक्स पुस्तक, ये सैमुएलसन की पुस्तक है, तो इसका सही उत्तर है सी। 90 है कि एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ये किसकी पुस्तक है, तो ये लियोन रॉबिन्स की पुस्तक है, जो चयन की परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स ने दी है, वो इसी पुस्तक में दी है, तो ये सही उत्तर है 90 का ए। 91 में है कि राशमान सीमांत तुष्टि गुण की मान्यता क्या है, तो सीमांत उपयोगिता रास नियम की मान्यता है कि वस्तु के रूप रंग गुण आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है सतत उपभोग होना चाहिए, उपभोग के बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, अंतराल टाइम लैग की व्याख्या नहीं है, उसमें टाइम लैग नहीं होना चाहिए, और जो वस्तु है उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो एक आकार निर्धारित आकार है, जैसे पानी पीने का जो मानक है, जो वो चम्मच से पानी नहीं पिया जाता है, इसी प्रकार से एक रोटी है तो एक रोटी का साइज है, तो इस कारण से भी, तो इसमें सतत उपभोग, वस्तु की मात्रा, गुण में एक रूपता, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, ये सभी इस नियम की एजम्पशन हैं, मान्यताएं हैं, तो 91 का सही है डी। 92 है कि उपभोक्ता की बचत के विचार को सबसे पहले किसने दिया, तो ड्यूपिट ने सबसे पहले दिया था, बाद में, इसका सही उत्तर है 92 का, 92 का ए। ड्यूपिट के बाद फिर प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को परिभाषित किया, उसके बाद केई बोल्डिंग ने, हालांकि उन्होंने क्रेता अधिक कहा, यह तो फिर भी
उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या बाद में कई बोल्डिंग के द्वारा की गई। तो इसका सही उत्तर है 92 का ए। 93 का है कि उपभोक्ता की बचत का पुनर्निर्माण किसने किया, तो ये कई बोल्डिंग के द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है 93 का सी, क्रेता अधिक 90C बोल्डिंग। 94 है कि सम सीमांत तुष्टि गुण नियम की मान्यता है। अर्थशास्त्र में विवेकशीलता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और यह माना गया है कि जो उपभोक्ता है वो विवेकशील है। तो विवेकशील उपभोक्ता, उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जाना, चूंकि सम सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम गणनावाचक उपयोगिता के गणनावाचक सिद्धांत पर आधारित है, फैशन और रुचि में परिवर्तन ना होना, ये तीनों मान्यताएं एजम्पशन जो है वो सम सीमांत उपयोगिता नियम के हैं। इस कारण से 94 का सही उत्तर है वो है डी। 95 है कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत आर्थिक खोज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है, ये कथन किसने कहा, तो ये मार्शल का कथन है। इसका 95 का सही है ए। 96 है कि एकाधिकृत प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो विक्रेताओं की अधिक संख्या, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश, गैर कीमत प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है विक्रेताओं की अधिक संख्या। अगला प्रश्न है कि एक चित्र है, ये चित्र किस प्रकार से, तो ये डीडी वक्र दिया गया है, मांग वक्र है, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। 97 का सही है ए, मांग वक्र। अगला जो चित्र दिया गया है वो सप्लाई कर्व है SS, और ये बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ हो रहा है, तो इस कारण से ये इसका सही उत्तर है वो है ए, पूर्ति वक्र। 99 है, इसमें डीडी वक्र जो मांग वक्र है वो एक्स अक्ष के पैरेलल दिखाया गया है और एक्स अक्ष के पैरेलल है तो ये है पूर्णतया लोचदार मांग। तो 99 का सही है ए। 100 में डीडी वक्र जो मांग वक्र है वो वाई अक्ष के पैरेलल दिखाया गया है तो ये पूर्णतया बेलोचदार मांग है। तो इस प्रकार से ये 100 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें 75 प्रश्नों का उत्तर छात्रों को देना था, परीक्षार्थियों को देना था।